हेलो दोस्तों, मैं हूं इमदाद अलराज पर आप देख रहे हैं इमदाद टेक ट्यूब। अगर आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आजकल जो हार्ड ड्राइव है वो पहले जो जीबी में आती थी अब टीबी में आने लगी है। टेराबाइट्स, टीबी मतलब टेराबाइट, जीबी मतलब गीगाबाइट्स। तो हार्ड डिस्क के बारे में मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के सारी जो है मालूम देता हूँ कि इनमें जीबी क्या होता है और टीबी क्या होता है और एक जीबी जो है कितने एमबी के बराबर में होती है और 1000 एमबी जो है वो कितने जीबी के बराबर होती है या एक टीबी जो है वो कितने बराबर होती है। तो इसके बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी क्योंकि आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और ये नॉलेज वाली वीडियो है और आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा करेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना, और क्योंकि मैं ऐसी एजुकेशन से और टेक्निकल वीडियोस में बनाता रहता हूँ और आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हो कि मैं जो है कोशिश करता हूँ कि अच्छा कॉन्टेंट बनाऊँ। तो मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आपको दोस्तों ये फुल फॉर्म जिस कुछ मैं बता रहा हूँ के बी एम बी टी बी पी बी ई बी वाई बी जेड बी के फुल फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, और ये आप फुल फॉर्म है जो के बी इनका फुल फॉर्म किलोबाइट्स है और एम बी का जो फुल जी बी का फुल फॉर्म जो है गीगाबाइट्स है, टी बी का जो टेराबाइट्स है, पी बी का जो पेटाबाइट्स है और ई बी का जो एक्साबाइट है और वाई बी का जो है यूटाबाइट्स है और जेड बी का जो है जेटाबाइट्स है। ये फुल फॉर्म आपने देखे हैं कि ये होते हैं फुल फॉर्म। और आगे जो है ये जी बी के बी एम बी ये कितने के बराबर होती है ये आप देख सकते हो इस ग्राफ में, ये लिखा हुआ है 1 बाइट जो है 0 बाइट्स और 1 बाइट्स जो है 8 बाइट्स के बराबर होता है।